प्रकाशोत्सव लीला चल रही है उसका आज तीसरा दिन है। कल की लीला में चेतन महाप्रभु का जन्मदिन जन्म दिखाया गया था, आज गौरांग लीला चल रही है और जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बड़ी भारी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आकर के लीला का आनंद ले रहे हैं। शाम को जो 6 बजे से लीला प्रारंभ होती है वो कृष्ण लीला है और उसमें कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज नंदोत्सव मनाया जाएगा और कल भी भारी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और आगे भी जो है सभी भक्तों से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच करके इस तरह की लीला का आनंद लें। 23 तारीख से शुभारम्भ हुआ है इसका, गौरंग लीला का और रास लीला का, और आज तीसरा दिन है और बहुत भीड़ आ रही है, भक्तजनों की बहुत भीड़ है। कल बहुत भीड़ हुई थी रासलीला में और आज नंदोत्सव मनाया जाएगा रासलीला का तीसरे दिन में। अभी ये चलेगी 31 तारीख तक चलेगी। ऐसा है, धार्मिक भाव हिंदू संस्कृति का अंग है और उसमें बहुत गंभीरता भी है, उसमें रास भी है, उसमें भगवान कृष्ण ने जो है सारी लीलाएं की थी और चैतन्य महाप्रभु ने वही रास के रूप में उसको प्रचारित किया गया था और ये समय समय पर होते रहना चाहिए जिससे हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति में जागरूकता बनी रहे। उस जागरूकता के कारण ही देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं। यहाँ जयपुर हाउस में श्री गौरांग लीला का प्रातः स्मरण होता है, दर्शन होते हैं भक्तों को और रात को श्री कृष्ण लीला का दर्शन इस मंच में देखने को मिलते हैं और इस जो वातावरण बन गया है वास्तव में एक धर्ममय वातावरण बन गया है जयपुर हाउस में। अभी कथाओं की प्रकृति भी अभी रासलीला का आयोजन चल रहा है और ये गौरांग लीला तो एक अद्भुत लीला है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और इसको अगर शुरू से ही देखा जाएगा तो जब इसकी ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे दर्शन होते हैं जो वास्तव में नैनों से आंसू भा देते हैं कि बैराग वास्तव में क्या होता है। आज इसी लीला का वाचन हुआ, विश्वरूप जी जो गौरांग हैं तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु उनके बड़े भाई, आज उनको वैराग हुआ है, इसकी लीला यहाँ पे चली है और वास्तव में जो वैराग हुआ माता पिता को छोड़कर घर छोड़कर जाने लगे हैं वो एक लीला अद्भुत थी और देखते देखते मेरे तो आंसू आ गए।